Hey everyone, welcome back at our MasterCAM Multi-Axis Tutorials and Toolpath Series. MasterCAM के लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से आप एक अलग अलग लाइन्स की मदद से आप अपने टूलपाथ को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड मेथड टूल एक्सिस कंट्रोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप एक सिंगल लाइन की मदद से आप अपने टूल एक्सिस कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं और आपका टूल कंटिन्यूसली उस सिंगल लाइन को फॉलो करके पूरा का पूरा टूल पाथ बनाएगा। कई बार हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर हमें एंगल्स को डिफाइन करके उसी को रेफरेंस मान के पूरा चारों तरफ हमें टूल पाथ चलाना होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें काम करती है। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन डिफाइन की थी उसी लाइन को रेफरेंस मान करके हमारा पूरा का पूरा वहाँ पर टूल पाथ चल रहा है। उसी लाइन को रेफरेंस मान के ये हमारा टूल पाथ चारों तरफ कटिंग कर रहा है। तो अगर आपको भी इस तरीके से कोई रेडियली प्रोफाइल हो या अंदर की तरफ रेडियस में एरिया है तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से या पर्टिकुलरली प्रॉपर फिनिशिंग देनी है तो उस पर्पज़ के लिए आप ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि इस मेथड को कैसे काम करता है और किस तरीके से आप इसको क्या क्या पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा MasterCAM का मल्टी एक्सेस प्रोग्रामिंग का चैनल बटन ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जा करके आप ज्वाइन कर लें ताकि आप हमारे MasterCAM के मल्टी एक्सिस की ट्यूटोरियल सीरीज़ को एक्सेस कर पाए और आप एक MasterCAM के मल्टी एक्सिस के एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाए। सो अब देखिए किस तरीके से चीज़ें रहती है और किन किन पैरामीटर्स को हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे कंट्रोल टूल पाथ के अंदर। जैसे ही मैं कंट्रोल टूल पाथ में जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले टूल डिफाइन करना है और मैं आ जाता हूँ कट पैरामीटर। कट पैरामीटर में आने के बाद मुझे सिलेक्शन करना है कर्व कि कौन से कर्व के रेफरेंस से मुझे टूल पाथ बनाना है। तो मैंने यहाँ पर यह कर्व सिलेक्शन कर लिया और मैंने कहा ओके। उसके बाद मुझे आ जाना टूल एक्सिस कंट्रोल और टूल एक्सिस कंट्रोल में जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करने वाले लाइन कमांड मेथड और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मुझे ये जो सिंगल लाइन मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने इस लाइन को बॉटम टू टॉप की तरफ सिलेक्शन कर लिया जिससे कि मेरा टूल इस तरफ से आएगा और मैं चारों तरफ कटिंग करूँगा। अब अगर यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आपको एक वैल्यूएबल और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिफाइन करना होता है। आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पर जो चेकबॉक्स है इसको मार्क नहीं किया तो फिर आपका टूल क्या करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अभी मार्क नहीं किया और अभी यहाँ पे देखिए तो टूल क्या करेगा, हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा और इसी डायरेक्शन में रहते हुए चारों तरफ कटिंग करेगा जिससे कि हमारा उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से जिस प्रोफाइल जैसे जैसे हमारे जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट हो उसी के अकॉर्डिंग हमारा टूल भी रोटेट हो जाए। तो उस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ज़रूरी है आप जब यहाँ पे टूल एक्सिस कंट्रोल को डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लाइन सिलेक्शन करनी है। लाइन सिलेक्शन करने के बाद जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है इसको मार्क करके ओके करना है और देन ओके। तो जैसे यहाँ पर ओके करते हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं कि आपका टूल एक्सिस कंट्रोल है उसको फॉलो करते हुए चारों तरफ यहाँ पर आपका प्रॉपर रोटेट होता है। सो आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि MasterCAM में अगर आपको एक सिंगल लाइन की मदद से टूल एक्सिस कंट्रोल को कंट्रोल करना है तो आप किस तरीके से प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी हमारे इस तरीके से MasterCAM के मल्टी एक्सिस ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ देखने के लिए आप जाकर के हमारे चैनल बटन यूट्यूब चैनल पर जाकर के MasterCAM प्रोग्रामिंग को ज्वाइन कर लें ताकि आप हमारे इसी तरीके के मल्टी एक्सिस की वीडियोज़ को देख पाएँ।